मध्य प्रदेश में 1 फरवरी को कई जगहों पर आकाश में चमकीली रोशनी वाली लंबी रेलगाड़ी नुमा वस्तुओं को देखकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। किसी ने इसे एलियंस बताया तो किसी ने उल्का पिंड करार दिया। साथ ही साथ आपको यह भी बता देना होगा कि 12 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और 10 महीने पहले मध्य प्रदेश के समेत देश भर में यह नजारा देखने को मिला। बुरहानपुर के नेपानगर में गुरुवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच एक चमकती हुई चीज, चमकती हुई रोशनी देखी गई। ये रोशनी देवास उमरिया धार तक देखी गई। ये पहली बार नहीं है कि एक साल में इस तरह की घटना 3 से 4 बार हो चुकी है। हकीकत में आसमान में ट्रेन जैसी दिखने वाली यह चीज स्टारलिंक की सैटेलाइट है। इन सैटेलाइट्स की संख्या 46 या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। एक बार फिर से आकाशीय घटना को लेकर लोग कौतूहल हैं। हमने भी जब एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि यह यूएफओ है। वहीं किसी ने इसे खगोलीय घटना बताया। तमाम तरह की बातें चलती रही, जिक्र भी होता रहा, लेकिन खगोलीय घटनाओं के बारे में जो जानकारी रखते हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, उन्होंने क्या कहा वो सुन लेते हैं। मालवा के कई क्षेत्रों से जो समाचार मिले हैं कि आसमान में कोई एक चमकदार अजीबोगरीब वस्तु नजर आई है, उसके लोगों ने वीडियो भी लिए हैं, फोटोग्राफ्स भी लिए हैं, उनको देखकर साफ नजर आता है एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने जो स्टार लिंक सैटेलाइट्स की एक श्रृंखला छोड़ी है वह 31 जनवरी जो अमेरिका के रात के समय था, हमारे यहाँ 1 फरवरी के समय छोड़ा गया था रात के समय 2 तारीख को। फाल्कन 9 नाम का जो बड़ा भीषण रॉकेट है उससे 49 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए हैं जो कि पूरी दुनिया में इंटरनेट सप्लाई डायरेक्ट करते हैं। और आज जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसमें भी यूक्रेन को सबसे बड़ी शक्ति इन्हीं स्पेस एक्स के जो सैटेलाइट्स हैं स्टारलिंक, उनसे उनको वहाँ पर पूरा का पूरा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि बाकी जगह तो सब जगह रूस ने आक्रमण करके उनके जो इस तरह के इंस्टॉलेशंस थे उनको सबको नष्ट कर दिया, टावर वगैरह। तो हकीकत में यह कोई अजीबोगरीब चीज़ नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में आसमान में तकरीबन 3000 जो है एक्टिव सैटेलाइट घूम रहे हैं और 5000 से ज़्यादा जो हैं डेड सैटेलाइट्स पड़े हुए हैं और तकरीबन 12 करोड़ से भी ज़्यादा जो सैटेलाइट्स के टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि सैटेलाइट छोड़ने के लिए रॉकेट जाते हैं जियो स्टेशनरी उसमें, और इस तरह के 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा आकार का जो स्पेस जंक है वो घूम रहा है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने जैसा बताया कि 31 जनवरी को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्ट की ओर से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए करीब 45 से ज्यादा स्टारलिंग सैटेलाइट छोड़े गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि खगोलीय घटना का असर मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है। असल में ऑर्बिट की गणना के मुताबिक ये मध्य प्रदेश में दिखाई देने वाली चीजें हैं। चमकीली लाइन इन्हीं सैटेलाइट का रिफ्लेक्शन होता है जो कि हमें नजर आया है। पहले मैं भी दुनिया के अलग अलग कोनों में इसी तरह के सैटेलाइट कलेक्शन धरती से देखे गए, लेकिन इन्हें लेकर अलग अलग तरह के जो कयास लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिक गणना के मुताबिक और तथ्यों के आधार पर यह मालूम चलता है कि ये किसी स्पेस जंग का हिस्सा होते हैं। छोटे उल्कापिंड भी इन्हें आप कह सकते हैं या फिर सैटेलाइट का प्रतिबिंब भी इन्हें आप कह सकते हैं। इस बार भी आकाश में कुछ ऐसा ही देखा गया। हालांकि अंतरिक्ष तमाम एजेंसियां जो तमाम अंतरिक्षी एजेंसियां हैं उनकी ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है या फिर उनकी ओर से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। वैज्ञानिक और भी आगे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या।